वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लीजिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर की रेशियो दे रखी है 12:19 और उनका सम दिया हुआ है 217। क्या पूछ रहे हैं? द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की हमें वैल्यू पता करनी है। देखिए गीवन क्या है, 12:19, सम कितना है 217, इनका सम कितना होगा 9 2 11 और 1 1 2 और 1 3 31, इसको भाग दे देंगे तो 31 7 217। ठीक है, तो हमारी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 7। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, अब 12 और 19 में से छोटा क्या है, 12 है तो 12 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। अब इसको 7 से इंटू कर देंगे, 84 हमारा आंसर हो गया है, डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, इफ द सम ऑफ ₹760 इज डिवाइडेड बाय अमंग ए बी सी, ए बी सी को 760 जो सम है, मतलब 760 रुपए हैं वो बांटे जाते हैं ए बी सी में, सच अ मैनर दैट ए गेट्स 2, बी गेट्स 3 एंड सी गेट्स 4.5। ए को 2 रुपए मिलते हैं, बी को 3 मिलते हैं और सी को 4.5 मिलते हैं, लेकिन देखिए जो सम है वो 760 रुपीज है। अब 760 रुपीज है तो इनको इतने छोटा छोटा अमाउंट थोड़ी ना मिल सकता है, तो ये हमारे पास रेशो गिवन है। ए की रेशो क्या है, 2, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ए रेशो बी रेशो सी, क्या गिवन है, ए की 2, बी को 3 मिलते हैं और सी को 4.5, ये रेशो हो गई है। सम कितना है 760 है, इन तीनों का सम कितना होगा, 2 3 5 5 4 9 और 9.5। ठीक है, अभी हमारा एक्चुअल सम है, इसको हम रेशो के सम से डिवाइड कर देंगे यूनिट वैल्यू निकालने के लिए। अब पॉइंट है, पॉइंट को हटा करके ऊपर जीरो लगा देते हैं। ठीक है, 19.5 जा होता है 95 और 19.4 जा होता है 76, 76 होता है और 2 जीरो यहां पर आ जाएगी। अब 5.8 जा होता है, 5.8 जा होता है 40 और 0 की 0, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई है 80। अब पूछा क्या है, देन शेयर ऑफ सी एक्सीड्स दैट ऑफ ए, जो सी है, सी का जो शेयर है वो एक्सीड मतलब ज्यादा है ए से, कितना ज्यादा है, इसका मतलब ए और सी का जो शेयर है उसमें हमसे डिफरेंस पूछा गया कि ए और सी के अमाउंट में डिफरेंस क्या है, तो ए माइनस सी पूछा हुआ है। अब रेशो देखिए, सी की कितनी है 4.5 और ए की कितनी है 2 है, तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 into 80। अब 2.5 है तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 1 के साथ 1 0, यहां से पॉइंट है तो 1 पॉइंट है तो 1 0, अगर यहां पर 2 पर होता तो यहां पर 1 और 2 2 0 आ जाती। अब 0 से 0 कट गई, 25 8 जा 200, आंसर है ए 200। 13th क्वेश्चन करेंगे, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 625, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब है जो नंबर है पहले उनका हमें स्क्वायर करना है और फिर उनका प्लस करना है, मतलब सम करना है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखिए जो नंबर्स उनकी क्या रेशियो है, 3:4 और सम ऑफ देयर स्क्वायर वो क्या है 625। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब कि पहले इनका स्क्वायर करना है दोनों नंबर, हमें नंबर पता नहीं है तो रेशो हम देखते हैं, जैसे कि 50 और 100 था पार्ट वन में हमने एग्जांपल लिया था, तो ये जो कटा था ये 50 से क्या था, 51 जा 50, 52 जा 100, तो जो 50 है वो हमारी यूनिट वैल्यू है, 1 यूनिट में 50 आ गया है। इसका मतलब जो अगर मैं 1:2 है इसको मैं दोनों तरफ 50 से इंटू करूंगा तो हमारी एक्चुअल वैल्यू 50 और 100 निकल जाएगी। इसका मतलब हमें जो यहाँ पर 3:4 है, यहाँ पर हमें 50, 1 यूनिट की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको अगर हम एक्स मान लें तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। अब क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये नंबर है इनका स्क्वायर करेंगे और सम कर लेंगे, वो कितना दिया हुआ है 625 दिया हुआ है, इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 625। अब 9 और 16 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 x square 625। अब यहाँ पर ये इंटू में 25, इसका मतलब है 25 into x square, ये यहाँ पर इंटू में है, तो जो 25 है x और स्क्वायर दोनों आपस में इंटू में है यहाँ पर, तो
इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो 25 इधर डिवाइड में आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 25 फाइवजा होता है हमारा 25। आपने देखा होगा कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो हमारी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई है 25। अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 25। अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है। हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी। अब उस जो यूनिट वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई? 5 आ गई। उसको हम 3 से इंटू करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, जो कि ये है ए ऑप्शन। 15th क्वेश्चन करेंगे, इफ इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 9, 3 और 7, रेशो बता दी गई है इनकम ए बी सी की, एंड इनकम ऑफ सी एक्सीड्स द इनकम ऑफ बी बाय, इसका मतलब है जो सी की इनकम है वो एक्सीड मतलब बढ़ रही है इनकम ऑफ बी से, बी की इनकम से 1200, तो 1200 क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया सी और बी का डिफरेंस। तो पूछा क्या है? इनकम ऑफ ए की इनकम क्या होगी? अभी क्या बोला गया है, ए बी और सी की इनकम में उनकी रेशियो क्या दे रखी है? 9, 3 और 7, और बी और सी है उनका जो डिफरेंस है उनकी इनकम का कितना दिया हुआ है? 1200। अभी देखिए बी और सी डिफरेंस कितना है? 4 है, मतलब कि 1200 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 300 हो गई है। पूछा क्या था? ए की इनकम इंटू 300 कर देंगे, ए की इनकम कितना हो जाएगा? 2700। सी आंसर। 16th क्वेश्चन करेंगे, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर है उनकी साइड है उनका रेशियो दिया गया है 3:4। तो रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का रेशियो पूछा गया है। तो जो स्क्वायर होता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो जो हमारा पैरामीटर होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है? 4 × s, 4 × साइड, और एरिया का क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, पर हमें पूछा क्या है? पैरीमीटर्स, पैरीमीटर्स की रेशियो, मतलब कि हम 4 × साइड ये फॉर्मूला अपनाएंगे। तो स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या दिया गया था? s1:s2 अगर हम मान ले तो क्या दिया था? 3:4। और पैरीमीटर्स हमें रेशियो ऑफ पैरीमीटर्स निकालना है, तो जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है? 4 × साइड। अगर आप देखें कि 4 × साइड 1 अगर मैं करूं और फिर रेशियो करूं 4 × साइड 2, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? s1:s2, मतलब कि फर्स्ट साइड है जो स्क्वायर की रेशियो सेकंड साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 ए आंसर, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18, अ सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो। अब एक सम है, अमाउंट उसको डिवाइड किया गया ए बी सी में 1:4:7। अगर डिफरेंस है शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो डिफरेंस है वो दिया गया है, ये है 2400। तो पूछा क्या है? शेयर ऑफ सी क्या होगा? ठीक है, तो क्या बोला गया है? ए बी और सी है उनकी जो रेशियो है 1:4 और 7 दी गई है, और जो सम है, सम प्रोवाइड नहीं है, डिफरेंस दिया गया है ए और बी का कितना है? 2400। अब देखिए ए और बी का डिफरेंस दिया गया है 2400, ए और बी का डिफरेंस कितना है? 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे एक्चुअल को यूनिट निकालने के लिए, तो हमारी 8 पर जाता है, 3 × 8 = 24, 00, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 800। पूछा क्या है? शेयर ऑफ सी, अब सी की रेशियो कितनी है? 7, 7 को हम 800 से इंटू करेंगे तो 7 × 8 = 5620, ये आंसर 5600। 18 का बी 5600। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ओमदत्त अजय एंड संजय आर, क्या है इनकी रेशियो? 9, 4 और 7। डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ अजय और संजय का जो डिफरेंस है वो एज में 9 ईयर्स है, 9 ईयर एक्चुअल वैल्यू हो गई, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ ओमदत्त एंड अजय, ओमदत्त और अजय का डिफरेंस पूछा गया है। सबसे पहले क्या है? ओमदत्त, फिर कौन है? अजय, और फिर है संजय। ओमदत्त का रेशो क्या है? 1, 4 और 7 है, सॉरी 9, 4 और 7 है, और जो अजय और संजय, अजय और संजय का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 9 ईयर्स। अभी रेशो में कितना है? 7 में से 4 गए 3 है, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 आ गया,
वन यूनिट की वैल्यू आ गई 3। पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ ओमदत एंड अजय, ओमदत और अजय जो है उनकी एजेस का डिफरेंस पूछा है। तो रेशो का हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, 9 में से 4 गए 5, वन यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 15। 15 ईयर्स ही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, द थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। एक ट्रायंगल है, उनके जो तीन एंगल है उनकी रेशियो दी गई है 1:2:3 और ग्रेटेस्ट एंगल पूछा गया है। रेशियो क्या थी, 1:2:3। अब एक ट्रायंगल है, उसकी सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की 180 डिग्री की, तीनों एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। तो हम मानते हैं यहां पर तीनों का सम क्या है इन रेशियो का, 3, 2, 5 और 1, 6। इस 180 जो एक्चुअल वैल्यू है सम की, उसे डिवाइड करेंगे इन इनके सम का, तो आ जाएगा 30। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है 1, 2, 3 में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है, तो इसी की वैल्यू पूछी गई है। तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, यही आंसर है। ये है 20 का डी 90।